अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बात नहीं आता अपने कामों से, तो आज फिर मैं सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए। तो आज मैं बना रहा हूँ सूजी वाला हलवा। तो चलो फिर चलते हैं। इससे पहले जैसे मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए करता हूँ काम, तो आप भी थोड़ा सा मुझे फेवर दे दें, शुक्रिया। चलो फिर चलते हैं। तो ये 1 कप में मैंने ले ली सूजी 1 कप, और चीनी भी हम तकरीबन इतना ही लेंगे, चीनी को भी इतना ही लेंगे तकरीबन तकरीबन। और ये देख सकते हैं आप, सेम कप वही है और सेम कप के बराबर थोड़ी सी कम चीनी ली है मैंने। और ये घी वाला डब्बा है और ये देख सकते हैं आप लोग। तो चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बर्तन में सबसे पहले थोड़ा सा घी ले लिया है, इसको हल्का सा मैं गर्म करूँगा। हल्का सा गर्म करने के बाद फिर हम इसमें सूजी डाल के इस तरह से सूजी को भून लेंगे। तो देखते हैं, जैसे थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें सूजी डाल के मैं इसको इस तरह से भून लूँगा। इसमें डालते हैं सूजी 1 कप और ये मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी। अब मैं इसको अच्छी तरह से कर दूँगा फ्राई, और जैसे थोड़ा सा मतलब फ्राई सी मील की थोड़ा सा भून लेंगे इसको अच्छी तरह से ना। जैसे ये भून जाएगी तो उसके बाद फिर इसको फर्दर चलेंगे लेके, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें डाल कर। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और जैसे ही ये भुन जाएगी हल्के से ब्राउनिश कलर में आ जाएगी तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो फिर जब जैसे ये ब्राउन हो जाएगी हल्के से भुन जाएगी तो हम इसमें फिर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद फिर हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे। तो सूजी हमारी काफ़ी हद तक भुन चुकी है, थोड़ी सी रेडिश कलर में भी आ गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये कलर ब्राउनिश से कलर में आ गई है। तो तकरीबन सूजी हमारी भुन चुकी है, अब बस इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं इसको और भून लेता हूँ हल्का सा ताकि ये मज़ीद ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी का मैं 1 गिलास पूरा भर के डाल रहा हूँ, ये तकरीबन जो गिलास है 1.5 पाव के करीब पानी है। अगर अदरक की जरूरत पड़ी तो और भी डालूंगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी मैंने जैसा कि डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं पानी के अंदर। ये देखें पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ओहो ये तो ऊपर आ गई, तो आपने आराम से हिलाना है इसको। तो अब मैं इसमें जो शुगर थी शुगर ऐड कर दूंगा। ये कप देख सकते हैं आप, ये इतना मैं इसमें शुगर ऐड कर देता हूँ। और अब हम कर देते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें अदर पानी डालना पड़ेगा। तो इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 1 गिलास पानी डालना पड़ेगा, और तो मैं इसमें पानी डाल देता हूँ और तो इसमें पानी मज़ीद डाल देते हैं। तो अब हम इस थोड़ी देर इसको पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे ही हमारा हलवा तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसमें से आपको एक शुगर हो जाएगी और इसका कलर से आपको नज़र हो जाएगा और थोड़ा थिक भी हो जाएगा। तो फिर मैं इसको उतार दूंगा ठंडा करके प्लेट में डाल दूंगा। तो फाइनली देख सकते हैं हलवा हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको खाऊँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।